हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आज फिर से आपके सामने आ गया हूँ i20 मैग्ना लेके। कुछ क्लिप्स इसमें बीच में i20 के टॉप एंड वेरिएंट्स की भी रहेंगी। सो फ्रंट लुक से अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो अगेन, इंजन ऑप्शंस एंड ऑल के बारे में डिटेल में मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, तो ये सेकेंड वीडियो जो है वो इंटीरियर और एक्सटीरियर को रिगार्डिंग रहेगी। तो फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड साइड से भी काफ़ी बढ़िया दिख रही है ये ऑल इन ऑल कार। तो व्हील्स की बात करें, 16 inches व्हील्स आपको बेस वेरिएंट से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पे एक आपके लिए चेंज लाया गया है, साइड के जो डोर हैंडल्स है वो भी एक न्यू चेंज्ड शेप में आपको देखने को मिलेंगे। द बेस्ट थिंग की जो इसकी बैक टेल लाइट है वो आपको फुल पूरे बैक एंड पे देखने को मिलने वाली है, तो जब ब्रेक अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम दिखेगी वो। बोल्ड रिफ्लेक्टर्स, देन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो बॉटम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। एंड रियर एंड फ्रंट दोनों में स्किड प्लेट्स प्रोवाइड की जाती हैं सेफ्टी बेनिफिट के हिसाब से। सो रियर में जो ग्लॉसी ब्लैक कलर की एलिमेंट यूज़ किया गया है ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिख रहा है लो एंड मॉडल्स में भी। सो ऊपर बेस वेरियंट से शार्क फिन एंटीना आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बहुत ही बेस्ट थिंग है। सो ऑल इन ऑल फुल बैक की बात करें काफ़ी ज़्यादा ऑसम मिलती है। बूट स्पेस की बात करें तो डिस्क्लोज नहीं हुई है, बट काफ़ी बढ़िया लग रही है एंड काफ़ी ज़्यादा दिख रही है फर्स्ट व्यू देखने में। रियर पार्सल ट्रे लो एंड में नहीं प्रोवाइड की जाएगी, सिर्फ अपर एंड में ही प्रोवाइड की जाएगी। सो दिस इज़ द कंप्लीट व्यू एंड ये आपको कोई अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं, स्टील रिम्स हैं विद कैप्स। सो ओआरवीएम्स की बात करें तो काफ़ी वाइड एंड बोल्ड ओआरवीएम्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। सो इंटीरियर का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा सा। बैक सीट्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल बैक सीट्स विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने वाली हैं टॉप एंड वेरिएंट्स में। देन रियर में एसी प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर। अगर वहीं पे क्लोज फ्रंट की बात करें तो कुछ ऐसा सा आपको देखने को मिल जाएगा इंटीरियर थीम। तो स्टेयरिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इमर्सिव मिलने वाला है आपको टॉप एंड वेरियंट्स में। फुल क्रूज कंट्रोल्स, हर टाइप के कंट्रोल स्टेयरिंग में जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपको मिल जाएंगे। देन इंस्ट्रूमेंटल पैनल कुछ ऐसा सा आपको देखने को मिलेगा टॉप एंड वेरिएंट्स में। देन ये कुछ है, इतनी बड़ी स्क्रीन आपको प्रोवाइड की जाएगी अराउंड 8 to 10 inches के अराउंड। देन ऑटोमेटिक एसी विद मॉडर्न फंक्शंस, चार्जर स्पेस, देन 360 डिग्री कैमरा भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है टॉप एंड वेरिएंट्स में, सनरूफ तो है ही। तो ये सब कुछ विंडो कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। सो काफ़ी ज़्यादा पैक्ड रहने वाली है एंड इसका टफ कॉम्पिटिशन होगा टाटा की एल्ट्रॉस के साथ। एडजस्टेबल स्टीयरिंग इन लो मॉडल से ही आपको मिलेगा एंड ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए हैं पिछली i20 से, जो न्यू i20 है उसमें। तो बस वेट कीजिए कि जल्द से जल्द ये लॉन्च हो और आपको इसका डिटेल रिव्यू मिल सके। सो ये वीडियोज़ जो है ये क्लिप्स में बनी है, तो थोड़ा कंटेंट कहीं इधर उधर से भी हो सकता है, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। बट जो बना जो बोल रहा हूँ वो सब मेरे एंड से ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू शेयर इट मोर एंड अगेन थैंक यू। बी कूल, बी हैप्पी एंड एन्जॉय योर लाइफ।